जब भी हम सोशल मीडिया पे काम करते हो, जो कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं या आप क्रिएटिव पोस्ट करते हैं, या आपकी कोई कंपनी है, आप उसमें अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं क्रिएटिव के थ्रू बना बना के, तो आपको एक ऐसी एक वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं जो कि बिल्कुल ही फ्री है, जिस पे आपको क्रिएटिव बनाने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे, और जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज में क्रिएटिव बना सकते हैं। आप हिंदी में बनाइए, मराठी में बनाइए, उर्दू में बनाइए, तमिल में बनाइए, जिस मर्जी लैंग्वेज पे आप क्रिएटिव उस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। वो खासियत ये है कि उसमें आपको काफ़ी सारे क्रिएटिव बने बनाए मिल जाएंगे, और रही बात साइज़ की, तो साइज़ आपने खुद डिफाइन करना है, आपको किस साइज़ का क्रिएटिव चाहिए, आपको पोस्टर चाहिए, आपको यूट्यूब का चाहिए, आपको फेसबुक का चाहिए, आपको थंबनेल चाहिए, आपको लोगो चाहिए, आपको साइज आपको ही डिसाइड करना है, आपने वहाँ पे साइज डिसाइड करके वो क्रिएटिव को क्रिएट करना है। तो फ्रेंड, अब मैं सीधा आपको डेस्कटॉप पे मिल रहा हूँ, सीधा ही आपको उस टूल पे ले जाता हूँ और आपको वहाँ पे एक क्रिएटिव बना के दिखाता हूँ। जस्ट जब 2 मिनट के अंदर मैं वो क्रिएटिव बनाऊंगा आपके सामने, और उस वेबसाइट पे आप देखिएगा कितना जल्दी से क्रिएटिव बनता है। अब सीधा चलते हैं उस वेबसाइट पे और आपको क्रिएटिव बना के दिखाता हूँ मैं। बात करने वाले हैं टेम्पलेट डिज़ाइनिंग के ऊपर। टेम्पलेट डिज़ाइनिंग क्या होती है, किस तरह आप अपने टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, फेसबुक के लिए कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट से। सीधा ही मैं वेबसाइट पर ले जाता हूँ आपको। वेबसाइट का नाम है पोस्टर माई वॉल, तो ये वेबसाइट का नाम है फ्रेंड पोस्टर माई वॉल। तो इस तरह की आप फ्रंट लुक है आप देख सकते हैं पोस्टर माई वॉल। इसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके ये लिंक को देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा वेबसाइट का। ये वेबसाइट ब्लू कलर की वेबसाइट है। अब इसको क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसे लॉगिन करना होता है। देखिए, लॉगिन करने के लिए क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन हो रखी है यहाँ पे, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा एक बार। जैसे ही आप लॉगिन कर सकते हैं, मेल के थ्रू कीजिए, मोबाइल के थ्रू कीजिए, फेसबुक के थ्रू कीजिए, आप कैसे भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको दी गई है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है तो मैं बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ये ब्राउज़र टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सारे टेम्पलेट यहाँ पे आके खुल जाएंगे। बहुत सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सीधा ही ये टेम्पलेट दिखाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि साइज़ का कैसे आप डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि साइज़ आप अपने डिसाइड से देख सकते हैं आपने किस चीज़ की वीडियो बनानी। जैसे मैंने कहा था इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, रील, फेसबुक क्रिएटिव, वीडियो, ये वो ढीना वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं, वीडियो का टॉपिक, टिकटॉक हो गया, जो भी यूट्यूब टेम्पलेट हो गया, जो भी आप बनाना चाहते हैं, सब तरह के टेम्पलेट आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं बना रहे, कोई और पोस्टर बना रहे हैं, मार्केटिंग के लिए बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, मेन्यू बना रहे हैं, पर्सनल बना रहे हैं, प्रिंटिंग प्रिंटिंग बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आप यहाँ से आप उस साइज़ को ले सकते हैं और वो साइज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो सोशल पे बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब को यहाँ पे यूट्यूब टेम्पलेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया यूट्यूब का, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए, इसके बाद आपने जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है, जैसे ये मुझे ये पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल सा क्लिक करूँगा तो ये अलग टाइप में एक खुल जाएगा पेज। तो अभी थोड़ा लोड हो रहा है, अभी लोड हो चुका है थोड़ा सा। तो जैसे ही पूरा लोड होता है, मैं आगे आपको समझाता हूँ आपने क्या करना है। देखिए फ्रेंड, ये पूरे का पूरा पेज यहाँ पे अब लोड हो चुका है आपके सामने, ये आ चुका है। साइज़ ये रहा है इसका, सब कुछ इन्होंने क्लियर किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए मैंने फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, फ़ोटो तो पूरी हिल रही है, तो मैं क्लिक को डिलीट करूँगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो भी मेरी फ़ोटो है, जो भी मैं फ़ोटो यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जैसे कि ये मेरी बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है, मुझे ये फ़ोटो पसंद आ रही है, तो मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और इस फ़ोटो को उठा के यहाँ पे ले आऊँगा और ये फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। देखिए फ्रेंड, बड़ा ही सिंपल है टेम्पलेट बनाना। अगर मैं आप बनाने लगे तो बहुत जल्दी बहुत सारे टेम्पलेट आप ऐसे ही यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्कुल ही जस्ट अ सेकेंड में आप एक एक करके सारे टेम्पलेट बना सकते हैं अपनी वीडियो के। अब देखिए मेरी वीडियो यहाँ पे आ गई है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ऐसे अच्छी तरह बड़ा कर लेना है, जितना मैं बड़ा कर सकता हूँ, जितनी बड़े करने के बाद मेरी वीडियो यहाँ फ़ोटो यहाँ पे अच्छी लगे। अब फ़ोटो तो आ गई है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूट्यूब, यूट्यूब, यूट्यूब। देखिए मैंने यूट्यूब लिख दिया। अगर आप चैनल भी लिखना चाहते हैं तो चैनल भी लिख दीजिए। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए
इसे थोड़ा ड्रैग कीजिए आगे को, थोड़ा सा इसका साइज़ को भी आप कम कर दीजिए, फिर थोड़ा लेफ्ट राइट ड्रैग कीजिए, देखिए आ गया। अभी आप देखिए यूट्यूब चैनल टेम्पलेट, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। आप हर चीज़ को यहाँ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। देखिए ये आ गया यूट्यूब चैनल टेम्पलेट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पे लिखने के लिए, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जितेंद्र सिंह, तो ये मेरा नाम आ गया। अब इससे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ कि लोगों को पता लगे कि ये पर्सन जो है जितेंद्र सिंह है, और ये आपको यूट्यूब चैनल के टेम्पलेट बनाना सिखा रहा है। तो फ्रेंड आपको वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, हम मेरे ख्याल में 2 मिनट या फिर 2 मिनट तक की, मुझे लगता है हमने टेम्पलेट एक रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं टेम्पलेट की क्वालिटी, देख सकते हैं टेम्पलेट आपको किसी भी एंगल से ऐसे ही लग रहा होगा कि हमने किसी और से बनवाया है, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल डिज़ाइनिंग का नहीं पता तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका यूज़ कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए, टेम्पलेट डिज़ाइन कीजिए, बहुत अच्छे से टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये वेबसाइट पर बहुत अच्छी है और बड़ा ही क्विक रिस्पॉन्स पे आप टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाएगा, कि काफ़ी लोग चैनल को की वीडियो तो देख जाते